सिर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो कितने मार्क्स के लिए आता है एट मार्क्स के लिए ओके okay, और इसमें मोस्टली आपको जर्नल पूछा जाता है आपको जर्नल एंट्रीज पास करने हैं तो इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत थेरी पार्ट देख लेंगे थेरी पार्ट और नेक्स्ट वीडियो से हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स सिर स्टूडेंट्स हमने एस में एसपी में ये बहुत सी चीजें देख ली है तो ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है थोड़ा बहुत से कैपिटल कैपिटल इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो हर बिजनेस के लिए कैपिटल ये क्या है नेसेसरी है नाउ कैपिटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल फॉर्म लाइक फॉर सोल ट्रेडर For his small business, for his shop, capital required is capital requirement is less. But in case of a company, in case of a company form of business organization, capital requirement is large. And now, here capital is raised to the issue of shares. Now, there are various types of shares. We already learned it in subject SP. इन चैप्टर थ्री नाउ शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल मीन्स वॉट टोटल कैपिटल रेज बायपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स सिर्फ कंपनी नीड फाइनेंस कंपनी को बिजनेस चलाना है बिजनेस चलाने के लिए क्या लगेगा पैसा लगेगा तो पैसा बहुत सी जगह से क्या होता है कंपनी रेज करती है सो कंपनी इर कंपनी इज रेजिंग फाइनेंस रेजिंग फंड बाय इशूइंग शेयर्स एंड दैट फंड दैट कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल एंड दिस शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्ट नोन एज शेयर्स दिस इज वाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल नाउ कंपनी कैन इश्यू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स नेमली इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंश ऑलरेडी ये हमने एस पी में बहुत ही डिटेल में देखा है इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशेर्स मेन डिफरेंस दोनों का क्या है लाइक इक्विटी शेयर्स Get dividend at a fluctuating rate. Preference shareholders get dividend at a fixed rate. And shares that are not preference shares are called equity shares. They do not have preferential right for payment of dividend and repayment of capital. Whereas preferentials shares are shares that carry preferential right Unko pehla chance milta hai as to the payment of dividend and repayment of capital. See so student. Yaha pe इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इक्विटी शेयर्स प्रिफरेंस शेयर्स के डिस्टिंग्विश के डिफरेंस की लिंक दे दूंगी और आपको स्पेसिफिकली जो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल है जो एस में चैप्टर थ्री में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करूंगी तो वो आपको एक बार देख लेनी है क्योंकि जो हम आगे जर्नल एंट्रीज देखेंगे तो उसके लिए आपको वो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही नेसेसरी है कि शेयर कैपिटल किसमें क्लासीफाई होता है जैसे ऑथोराइज इश्यूड इश्यूड तो वो आपको वीडियोस नीचे लिंक में दे रही हूँ तो आपको देख लेना है सी यहाँ पे आपको इस चैप्टर में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल कॉल्डअप कैपिटल पेडअप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल सो फॉर दिस फॉर गेटिंग दिस कंसेप्ट क्लियर चेक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन आफ्टर दैट ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट आपके जैसे ही ऊपर की वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आपको यहां पर ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो भी समझ में आएगा कि ऑथोराइज कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल देखो यहां पे कितना है टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये क्या रहता है मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी इज ऑथोराइज टू रेज बाय द इश्यू ऑफ शेयर कि कितना मैक्सिमम अमाउंट कंपनी रेज कर सकती है तो वो क्या हो गया ऑथोराइज कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडोप्टिंग द प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर जैसे यहाँ पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रूपीज हंड्रेड ईच ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल कौन कैसे डिसाइड करता है कंपनी कैसे डिसाइड करती है आफ्टर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी कि फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट होगी प्रेजेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में कितनी होगी तो वो सब ध्यान में पॉइंट सर के कंपनी क्या डिसाइड करती है ऑथोराइज कैपिटल

पूरा का पूरा नहीं इशू कर रही है कंपनी जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही इश्यू कर रही है पब्लिक कितने बाय कर सकते हैं शेयर्स सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर्स और बाद में फ्यूचर में अगर कंपनी को और ज़रूरत होगी तो कंपनी के बाकी के टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर्स भी इशू कर सकती है सीम समाइम्स इश्यू कैपिटल कैन भी इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल जितना कंपनी ने ऑथोराइज कैपिटल है ऑथोराइज शेयर है टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स तो वो पूरे के पूरे भी कंपनी इशू कर सकती है सो इफ द कंपनी इशू ऑल इट्स शेयर्स इशूड कैपिटल विल बी इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल नाउ पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच इज नॉट इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज अन इश्यूड कैपिटल सो हियर इन दिस बैलेंस शीट सी ऑथोराइज कैपिटल टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स

क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी जितना इश्यू कर रही है कि पूरा का पूरा पब्लिक सब्सक्राइब कर लेंगे शेयर्स सो इट इज नॉट नेसेसरी तो जितना पब्लिक परचेस कर रही है शेयर्स एक्चुअली सब्सक्राइब कर रही है शेयर्स तो वो क्या हो जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कंपनी ने इश्यू किए सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर्स इन दिस एग्जांपल उसमें से कितना सब्सक्राइब हुआ सिक्स थाउजेंड शेयर्स तो जो सब्सक्राइब नहीं हुआ द पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक नोन एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर्स कंपनी ने इशू किए उसमें से सिक्स थाउजेंड सब्सक्राइब हुए तो बचे हुए वन थाउजेंड ये क्या है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अनसब्सक्राइब्ड है समझ में आ रहा है उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल से कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्डअप फ्रॉम द शेयर होल्डर यानी पब्लिक ने सिक्स थाउजेंड शेयर्स क्या किए सब्सक्राइब किए परचेज किए परचेज किए यानी ऐसा नहीं है कि कम, पूरा का पूरा पैसा वो लोग तुरंत दे रहे वो लोग एप्लीकेशन मनी सिर्फ देंगे स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में तो वहां पे बाद में कंपनी क्या कर सकती है कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इज कंसिडर्स सफिशिएंट फॉर द टाइम बीइंग तो जितना जरूरत है कंपनी उतना ही कॉल करेगी जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो सब्सक्राइब कैपिटल कितना है सिक्स थाउजेंड इक्विटी शेयर्स है ऑफ रुपीज हंड्रेड इच तो हंड्रेड में से कंपनी ने सिर्फ सिक्सटी रूपीज अभी तक कॉल किया है सो कॉल्ड अप कैपिटल में क्या है सिक्स थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ हंड्रेड ईच आउट ऑफ दैट रुपीज सिक्सटी पर शेयर कॉल्ड. तो जितना कॉल्ड किया तो वो किस में आएगा अप कैपिटल में आएगा गेटिंग स्टूडेंट एंड द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल सो हियर इन दिस केस सिक्सटी रुपीज ये कॉल्ड किया तो बचा हुआ चालीस रुपया हुए क्या है अनकोल्ड कैपिटल है सो सिक्स थाउजेंड इन टू फोर्टी दैट इज टू लैख फोर्टी थाउजेंड ये क्या हो गया अनकॉल्ड कैपिटल अभी कॉल्ड किया है पर ऐसा जरूरी है क्या कि कॉल किया और एक्चुअली मिल गया शेयर होल्डर से नहीं सो पेड अप कैपिटल नीचे है पेड अप कैपिटल यानी क्या इट इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर्स एज इट इज लाइकली दैट सम शेयर होल्डर्स मै नॉट पे ऑल द अमाउंट डिमांडेड ऑन देयर शेयर्स सो पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल लेसर दैन द कॉल्डअप कैपिटल बट इट कैन नॉट बी मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल पेडअप कैपिटल जितना कंपनी कॉल किया है उतना ही मिला ऐसा हो सकता है या उससे कम मिला है किसी शेयर होल्डर ने अभी तक नहीं दिया ऐसे हो सकता है पर उससे ज्यादा दिया ऐसा हो सकता है क्या नहीं अभी यहां पर द डिफरेंस बिटवीन कॉल्डअप कैपिटल एंड पेडअप कैपिटल इज नोन एज कॉल्स इन एरियस सिर्फ स्टूडेंट ये सभी टर्म्स आपको ध्यान में रखने क्योंकि एक्चुअल जब जर्नल एंट्री सॉल्व करोगे तो वहाँ पे वर्ड आएगा लाइक कॉल्स इन एरियर्स तो आपको समझ में आना चाहिए कि वॉट इज कॉल्स इन एरियर तो कॉल्स इन एरियर यानी क्या कंपनी जितना कॉल कर रही है कंपनी ने कॉल किया सिक्सटी रुपीज ओके सिक्सटी रुपीज कॉल किया है और किसी किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया वो सिक्सटी रुपीज तो जो नहीं दिया है यानि कॉल किया कितना पैसा आया वो पेडअप तो कॉल और पेडअप का डिफरेंस ये क्या हो गया कॉल्स इन एरियर्स सी ऑन योर स्क्रीन पेडअप कैपिटल में देखो नीचे सिक्स थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इच रुपीज सिक्सटी पर शेयर कॉल्ड अप कॉल्डअप है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड लेस कॉल्स इन एरियर्स कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है फाइव हंड्रेड यहाँ पे ऊपर देखो क्वेश्चन में भी है सी ऑन द स्क्रीन सोल्यूशन के ऊपर की थर्ड लाइन देखो 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट मनी थर्टी रुपीज है तो उतना पैसा दिया नहीं है 500 इक्विटी शेयर होल्डर ने तो 500 हंड्रेड इंटू थर्टी तो 15,000 ये क्या हो गया कॉल्स इन एरियर्स यानी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड कॉल किया था 15,000 आया नहीं है तो कितना आया पेड अप कैपिटल कितना हो गया ये दोनों का डिफरेंस थ्री लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड इसके लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने के लिए नीचे जो मैंने लिंक दी है तो वो भी एक बार आप लोग चेक कर लेना स्टूडेंट्स सो so, ये हो गया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल न उसे टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कौन कौन से मेथड्स है शेयर इशू करने के लिए जैसे कंपनी डायरेक्ट पब्लिक ऑफर कर सकती है शेयर तो उस तरह से और क्या क्या है तो पहला देख सकते हैं आप राइट इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर सी स्टूडेंट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि ये सभी कंसेप्ट आपके ऑलरेडी एसपी के चैप्टर वन टू थ्री में हो गई है राइट इश्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट इश्यू राइट शेयर्स है क्या राइट शेयर्स आर इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो अभी के शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी शेयर्स परचेज किए हुए हैं कंपनी के तो कंपनी क्या करती है वापस इशू करनी है इशू करने हैं शेयर्स तो पहले वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को चांस देती है यूजुअली गिवन एट ए डिस्काउंटेड प्राइस यानी नए शेयर होल्डर्स नए नए इन्वेस्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कंपनी पहले चांस देती है दे आर गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर परचेसिंग शेयर्स तो वो क्या हो गया है राइट इशू

कंपनी फर्स्ट चांस किसे दे रही है कोई सिलेक्टेड पर्सन को और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को जैसे सपोज कंपनी ने अपने जो भी कस्टमर्स है रेगुलर कस्टमर्स है उनको चांस दिया है या डायरेक्टर्स को दिया है उनको इनविटेशन दिया कि आपको शेयर परचेस करने हैं क्या तो ये क्या हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट देन पब्लिक ऑफर पब्लिक ऑफर यानी स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट करती है अपनी शेयर्स फॉर द जनरल पब्लिक दिस इज अलाउड ओनली फॉर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को ये अलाउड नहीं है जनरल कंपनी इशूड शेयर्स ऑन आईपीओ कैपिटल कलेक्टेड रिकॉर्डेड एज स्टॉक होल्डर इक्विटी इन द बैलेंस शीट आफ्टर पब्लिक ऑफर देर इज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी क्या कंपनी अपने शेयर्स किसे इशू कर रही है डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज को एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर नेचर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स ये क्या रहता है जो भी डायरेक्टर्स है जिनका कंपनी में वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो कंपनी उनको क्या करती है शेयर्स इशू करती है एंड दे रैंक एट अ पेरीपैसू विथ अदर इक्विटी शेयर्स मीन्स सेम उसी तरह के रहते हैं और वहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है लॉक इन पीरियड ऑफ थ्री ईयर्स दैट इज दे कैन ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड दे कैन ट्रांसफर दिस शेयर्स टू अदर पर्सन एंड कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू वेट इक्विटी शेयर्स देन बोनस इशू किया जाता है टू करंट शेयर होल्डर्स और उनको फ्री ऑफ चार्ज में रहते हैं ये शेयर्स सो दिस आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल नाउ हियर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स पब्लिक को इश्यू करने शेयर तो प्रोसीजर क्या रहती है सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है जहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है टू द इन्वेस्टर कंपनी के बारे में और उसमें प्रोस्पेक्टर में सभी इंफॉर्मेशन रहती है कि कितने शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है शेयर की फेस वैल्यू क्या है एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट देना है अलॉटमेंट पे आगे के कॉल्स पे कितना अमाउंट देना है देन जो भी इंटरेस्टेड सब्सक्राइबर है वो लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन सेंड करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी दिया जाता है एंड कंपनी मेक्स इट्स एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल टू पब्लिक थ्रू इट जो फॉर्म है कंपनी किसके थ्रू अवेलेबल करती है थ्रू ब्रोकर एंड बैंक्स तो अगर किसी को भी शेयर परचेज करने वो क्या करते फॉर्म फिल करते हैं और उसके साथ सिर्फ एप्लीकेशन मनी सेंड किया जाता है एंड अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एनी सिक्योरिटी और शेयर्स शेल नॉट बी लेस देन फाइव पर्सेंट ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सच शेयर और एज में बी स्पेसिफाइड बाय से बी यह हम क्या देख रहे हैं प्रोसीजर क्या है कंपनी जो शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को उसकी प्रोसीजर हम देख रहे हैं एक तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है देन कंपनी गेट्स रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन कंपनी गेट्स एप्लीकेशन मनी देन देर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और जब तक मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब मिनिमम अमाउंट जो मिनिमम शेयर्स से उतने सब्सक्राइब नहीं किए जाते हैं अगर उतने शेयर्स नहीं सब्सक्राइब हुए हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ता है जितने शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है वो उनका भी कंपनी को रिटर्न करना रहता है और अगर मिनिमम सब्सक्राइब हो गए हैं तो बाद में कंपनी क्या करती है बाद में अलॉटमेंट लेटर सेंड करती है टू टू द शेयर होल्डर्स अलॉटेड सर्टेन नंबर ऑफ शेयर जिनको कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है और कभी कभी ऐसा हो जाता है एक्स्ट्रा शेयर सब्सक्राइब किए जाते हैं तो वहां पे कंपनी क्या करती है किसी किसी को रिग्रेट लेटर कंपनी को भेजना पड़ता है कि आपको शेयर्स अलॉट नहीं किए जा रहे हैं एंड देयर एप्लीकेशन मनी इज ऑल्सो रिफंडेड देन कॉल्स ऑन शेयर्स आफ्टर रिसीविंग अलॉटमेंट आफ्टर रिसिविंग अलॉटमेंट कंपनी मैक्स कॉल ड्यू जितने भी बाकी के कॉल है तो वो भी कंपनी यानी आस्क करती है इफ द कॉल्स आर मोर देन वन दे आर सीरियली नंबर्ड लाइक फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल एंड द लास्ट कॉल इज नोन एज फाइनल कॉल एंड एटलीस्ट फोर्टीन डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ द कॉल्स तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने थेरी पार्ट कवर कर लिया है चैप्टर एट का नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अकाउंटिंग एंट्री फॉर चैप्टर एट ओके थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे